यहां से एक रेखा यूं निकली, यहां गई जरा यूं, चांद को उलटना नहीं, जरा थोड़ा ऊंचा उठ गया। प्रतिष्ठित समभागिनी आएंगे, समभागिनी आएगी, अच्छी स्त्री से विवाह हो जाएगा, या अच्छी प्रतिष्ठित पुरुष के साथ इस लड़की का विवाह हो जाएगा। ठीक, यहां नहीं, रेखा तो जो कुछ जो चली, यहां कुछ उभर कर यू, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा वही है, मगर थोड़ा इतना बड़ा भी नहीं, थोड़ा बस है। धनवती लड़की के साथ इनका विवाह होगा, काफी धनवती, यानी संपन्न परिवार से वो लड़की आएगी या वो लड़का आएगा। ठीक है, यहां नहीं, यहां उभर कर है। ये रेखा तो जो कि तो शेष रेखा, जो कि तो शेष रेखा के फल वही बताना जो हृदय रेखा के कारक है। यहां उभरने के कारण यही बता सकते हैं कि यहां एक राजनीतिज्ञ या राजनीतिज्ञ के लड़की के साथ या लड़के के साथ ब्याह होगा। कीर्तिवान होंगे, अच्छे काम करेंगे, उनकी नीति इतनी अच्छी होती है जो राजमार्ग पर, राजमार्ग पर चलती है, कंटक मार्ग में नहीं चलती है। स्वयं पोषित रहेंगे, स्वयं अपने टांगों पर खड़े होंगे, इज्जत की परवाह करेंगे, बेइज्जती स्वप्न, स्वप्न देख नहीं सकते ये लोग, इतनी अच्छी रेखा है। यहां हां प्रवणी व्यापार दक्ष की बताती है, व्यापार के दक्ष के साथ इस लड़के का विवाह होगा, या व्यापार के परिवार से ये लड़की आई है, उसका गुण भी व्यापार करने का है। खोलिए उनके नाम पर एक ब्यूटी पैनल, एक मैट्रिक सेंटर खोलिएगा, लेडीज कॉर्नर खोलिएगा, बस चमक जाएगी, दिन दोनी रात चौगुनी जैसी हो जाएगी। रेखाओं को, भाग्य को बदल नहीं सकते हैं, भाग्य प्रवचन करने वाले टॉर्च रेट है। देखो भाई, तुम्हारी रेखा में यहां ऊंटी रेखा है, तुम्हारी धर्मपत्नी अनुकूलवती होगी, किसी शास्त्र की प्राज्ञा होगी, या नहीं तो व्यापार दक्ष, उसमें दक्षता होगी, उसके नाम पर कुछ व्यापार रखो बेटे, बोले करेगा वो, दिन दोनों रात चौगुनी, विश्वास कीजिए। यानी उनकी रेखाओं को देखने की आवश्यकता है, अगर वो नहीं मिलती है, उनके हाथ नहीं देख सकते हैं, तो इनके हाथ में है, अगर वो अनुकूल इसके साथ है तो काम निपट जाएगा। रेखा बुरा होना बुरा नहीं है, बुरी होना, बुरा सोचना तो बुरा है, सब कुछ हमारे सोच विचार में है, उसको संभालिए कृपया। भाग्य को देखकर कोई नहीं चलता, चलते मार्ग में भाग्य कहां तक सहकारी है उसे देखना चाहिए। मैं ये काम कर रहा हूं, क्या मैं कर सकता हूं, भाग्य से पूछिए, यानी भाग्य प्रवचन करने वाले से, या शास्त्र स्वयं जानते हैं तो आप देख लीजिए, या शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, बस पता चल जाएगा, क्योंकि टॉर्च लाइट है। हर कोई शास्त्र करदीपिका है, हर कोई शास्त्रज्ञ मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, उस बाट पर चलिए, प्रयत्न कीजिएगा, क्षितिज को छूने का प्रयत्न कीजिएगा, छू कर रहेंगे क्षितिज को, कहाँ है क्षितिज, छू सकते थोड़े ही, मगर उसको छूने के प्रयत्न में रहिए, प्रयत्नशील, प्रयत्नशील होने से इस रेखा का सौभाग्य है, वो है जीवन रेखा। अरे कितने सुखी जीवी हैं, उसको सुखी जीवन कहने के लिए कितनी रेखाएं सानुकूल को हो तो उनका सुखी जीवन बोल सकते हैं, भोगभाग्य जीवन, बहुत कुत्ता कुत्ता है, भौंकता है, एकदम राक्षस है। क्या राक्षस इस रेखा की गलती है, रेखाएं अन्य रेखाएं वैसी है, मोटा थंब, यहां पर गुण का चिन्ह, यहां ये टूट सी गई है, बुद्धि रेखा यहां पर ही बेकार, राहु क्षेत्र डाउन है, क्यों नहीं बनेगा। भाग्य प्रवचन करने वाले बोलेंगे कि देखो बुरी रेखाएं हैं, संभालो, बुरे विचार आते हैं, कंट्रोल,
नहीं ये काम नहीं करो, एक दो तीन चार पांचों बार सक्सेस। हत्या भी करने वाला भी क्यों ना हो, अपने आप सोचेगा तो अहिंसावादी बन जाएगा। वाल्मीकि के बारे में नहीं सुनते हैं, एक श्लोक उनके राम 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 कहते हुए मग्न हो गए, उनके ऊपर एक वाल्मीकि ही आ गई। नारद जाते जा रहे एक ऋषि को जहाँ बैठते हुए तपस्या करते हुए बिठाया था ना, कहाँ गया करके देखा तो कोई आवाज आ रही भीतर से, राम राम राम। अरे भाई मैं नारद हूं, कू की आवाज की, वहां से ही श्लोक प्रारंभ हो गया, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षर। काव्य की रचना, पक्षियों को मारकर खाने वाले हिंसावादी थे, रामायण का प्रणयन कर तो सदा के लिए चिरंजीवी हो गए वे। कौन भूल सकते हैं वाल्मीकि जी को, परिवार ऐसा रहना चाहिए राम जैसा परिवार। परिवार के नीति नियम रामायण ने बताया, भारत भारत अलग है, भारत राजनीति बताई है, वाल्मीकि रामायण में मनुष्यता बताइए, मानवता, परिवार के सदस्यों के भीतर सभ्यता बताई है, पति पत्नी के साथ किस प्रकार रहना, एक भाई अपने बड़े भाई से दाऊ से किस प्रकार रहना, एक बड़े भाई को छोटे भाई के साथ किस प्रकार रहना चाहिए, जो उनकी सेवा करते हैं उनका स्वभाव कैसे, हर एक विषय में, हर एक विषय में रामायण की क्या प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए घंटा भी बोलेंगे तो कम है, मगर घंटा का समय हम कहाँ से दे सकते हैं, सुन सकते हैं कहाँ से आप। महाभारत में राजनीति, वो भी नीति है, राजमार्ग पर गई है कुछ। अरे भाई भला बुरा कहने वाला, जितने मुंह उतनी बातें होती, भला बुरा नहीं जानता, बहुत सारे लोगों का कथन जो है सो बता रहा हूं मैं। तो रेखाएं होना उसके अनुकूल चलना इसका है, अगर जहां बुरी रेखाएं भी होती है तो डरने की कोई जरूरत है, अच्छे विचार से बदल सकते हैं। ये रेखा कहां प्रारंभ हो जाए, मैंने बताया कि यहां से, न किसी की रेखा यहां से प्रारंभ हुई है। आंखों देखे रनिंग कॉमेंट्री कीजिए ना, ये भी हृदय रेखा ही है, क्योंकि बुध स्थान से ही प्रारंभ हुआ, मगर क्या कमी दिखाई पड़ रही, अरे ये सीमा एकदम सीमित हो गई, ये क्षेत्र हाँ, भक्ति होती बहुत कम, धन होता है हाँ बहुत कम, कीर्ति होती है नौकरी करती है बहुत कम, व्यापार हाँ है कम, सीमा, ये सीमाएं सीमित होने के कारण व्यक्ति कभी कभी कठिन भी बन जाता है। यानी अब ये इतनी दूर जाने से अब दूसरा अंतर आपको क्या दिखाई पड़ रहा, या बुद्धि रेखा बहुत दूर, बुद्धि हृदय के अनुकूल नहीं रह सकती है। इस व्यक्ति को कठिन बताते हुए भी, कारकों को सीमित बताते हुए भी, उसके अनुकूल बुद्धि चल रही है या नहीं, या जीवन का परवरिश जीवन रेखा की खूबी ये रेखा बढ़ा रही है, ये रेखा तो उतनी सहायता नहीं कर सकते, फिल्टर अच्छा नहीं है, बहुत ऊंचे तक चली गई। अरे भाई इतनी दूर क्या, आप जहाँ बता रहे हैं वहाँ तक नहीं है, यहाँ से है मुझे, यहाँ से यहाँ से लगभग बुद्धि रेखा से मिलकर, बुद्धि रेखा और हृदय रेखा के बीच बहुत इतना नजदीक इतने निकट कि कभी बुद्धिवश हो जाता कभी हृदयवश हो जाता, क्या करता वही नहीं जानता, तो प्रवचक क्या करेगा, प्रवचन करने वाला क्या बताएगा, शास्त्र क्या बताएगा। प्रेम आ गया तो प्रेम ही प्रेम, कठिनाई आ गई ना तो कठिनाई कठिनाई, दया आ गई तो चाची को भी पालन परवरिश करेगा, गुस्से में आ गया तो पत्नी को खाना नहीं खिलाएगा। यहां बुद्धि काम कर रही हृदय काम कर रही क्या, हृदय रेखा काम कर रही क्या, कभी ये कभी वो, क्या करता वो स्वयं नहीं जानता, ऐसी परिस्थितियां होती है। ठीक है,